हाय, आज हम देखेंगे टॉनिसिटी एडजस्टमेंट के बारे में। इसमें हम देखने वाले हैं कि एक सॉल्यूशन को आइसोटॉनिक बनाने के लिए, मतलब एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उस चीज़ को देखेंगे, हाउ टू एडजस्ट द टॉनिसिटी। पहले अगर मुझे टॉनिसिटी एडजस्ट करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। इनिशियली आई हैव टू मेथड्स टू एडजस्ट टॉनिसिटी। वो दो तरीके क्या है देखेंगे। मेथड वन में क्या करेंगे, ऑलरेडी मेरे पास एक सॉल्यूशन होगा, मतलब थोड़ा ड्रग है एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व, ड्रग और सॉल्वेंट एक थोड़ा सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को मुझे एक एक्सटर्नल सब्सटेंस लाइक टॉनिसिटी एडजस्टिंग, हम NaCl लेते हैं, एक एक्सटर्नल सब्सटेंस से मुझे इसकी टॉनिसिटी एडजस्ट करना है। ये एक्सटर्नल सब्सटेंस हो सकता है NaCl या सेम ड्रग, ये जो ड्रग है वही ड्रग को डाल के भी मैं टॉनिसिटी को एडजस्ट कर सकता हूँ। इधर NaCl डाल के या ड्रग को ही डाल के टॉनिसिटी को एडजस्ट कर सकता हूँ। एक बार टॉनिसिटी एडजस्ट हो गया तो आपको वॉल्यूम मेकअप करने के लिए आइसोटॉनिक सोल्यूशन, कोई भी आइसोटॉनिक सोल्यूशन, इसका सोचो साल्ट का आइसोटॉनिक सोल्यूशन, आइसोटॉनिक सोल्यूशन साल्ट का कितना है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। अगर आप 0.9% 0.9 ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ml NaCl 0.9 ग्राम्स लो और 100 ml वाटर में डालो तो वो वाटर की टॉनिसिटी ब्लड के साथ इक्वल होगी, आइसोटॉनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस मेथड से मैं इस मेथड वन से मैं टॉनिसिटी को एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, पहले ही मेरे पास थोड़ा सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन में मैं दूसरे सब्सटेंस डाल के एडजस्ट कर रहा हूँ, ये हो रहा है हमारा मेथड वन। मेथड टू है, मेथड टू में मेरे पास ड्रग पाउडर है, मेरे पास एक बीकर है। मेथड टू मेरे पास ऑलरेडी एक बीकर है, इस बीकर में ड्रग पाउडर है मेरे पास, तो इस ड्रग पाउडर को मैं क्या करूंगा, पहले पानी डाल के इसको टॉनिसिटी आइसोटॉनिक करने की कोशिश करूंगा। पहले पानी डालूंगा, इसको आइसोटॉनिक करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं इसको इसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ऑलरेडी जो आइसोटॉनिक सोल्यूशन है उसको यूज करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, ड्रग पाउडर था, पानी कितना पानी डालना है मुझे इस ड्रग पाउडर में, इतने ग्राम ड्रग पाउडर में मुझे कितना पानी डालना है तब जाके मुझे आइसोटॉनिक सॉल्यूशन मिलेगा, उस चीज को ध्यान करेंगे। सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस है कि पहले आपके पास सॉल्यूशन था, उसमें आप कोई एक चीज डाल के उस सॉल्यूशन को आइसोटॉनिक कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास पाउडर था, उस पाउडर में इतना क्वांटिटी वाटर, यहाँ पर देखो हम टॉनिसिटी एडजस्टिंग सब्सटेंस डालते हैं, यहाँ पर वाटर डाल रहे हैं, वाटर डाल के उसकी आइसोटॉनिसिटी डाल के फिर उसको हम मेकअप कर रहे हैं आइसोटॉनिक सॉल्यूशन से। मेकअप करने के लिए आप इन दोनों में कॉमन चीज है मेकअप, वॉल्यूम मेकअप करने के लिए आप आइसोटॉनिक सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। अब इस मेथड बारे में देखेंगे, मेथड वन में क्या कर रहे हैं, हमारे पास ड्रग सॉल्यूशन था, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है फार्मेसी में इसी मेथड में आएंगे। इस मेथड के लिए मैं अलग वीडियो लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं मेथड वन के बारे में बात करूंगा। मेथड वन में हमारे पास अगेन दो मेथड्स हैं। एक मेथड है फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन मेथड, या इसको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक मेथड, फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन मेथड या क्रायोजेनिक मेथड बोलते हैं। सेकेंड मेथड है हमारे पास NaCl इक्विवेलेंट मेथड। फर्स्ट मेथड है फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन मेथड, सेकेंड मेथड है NaCl इक्विवेलेंट मेथड। अब हम देखेंगे फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन मेथड हमें क्या समझाता है। इससे पहले मैं थोड़ा टॉनिसिटी के बारे में बात करना चाहता हूं। जो भी सॉल्यूशन हम देखते हैं डिफरेंस क्या है, हाइपोटॉनिक आइसोटॉनिक और
हाइपर टॉनिक के बारे में। हाइपोटॉनिक का मतलब है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है। इसकी टॉनिसिटी ब्लड के ऑस्मोटिक सॉरी इसकी टॉनिसिटी ब्लड के टॉनिसिटी से भी कम है। तो इसमें क्या होगा, अगर हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में मैं ब्लड डालूंगा, इसका टॉनिसिटी ब्लड से भी कम है, तो क्या होगा, क्योंकि इसका टॉनिसिटी कम है, मतलब यहां पर आप एक बात याद रखो, टॉनिसिटी कम है या उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसका मतलब है कि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, इसलिए उसकी टॉनिसिटी कम है। वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कम है, इसलिए वो हाइपोटॉनिक है। अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो हाइपरटॉनिक हो जाएगा। तो यहां पर सॉल्यूट कम है, वाटर ज्यादा है, जब मैं ब्लड डालूंगा इसमें क्या होगा, क्योंकि यहां वाटर ज्यादा है तो ऑस्मोसिस क्या करेगा, वाटर हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन से ब्लड में जाने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से आपके ब्लड सेल्स बस्ट हो जाएंगे, फूट जाएंगे ब्लड सेल्स, क्योंकि पानी यहां से उसके अंदर जा रहा है ब्लड में और वो ब्लड फूट जाएगा, ब्लड सेल्स जो भी आपके पास आरबीसी फूट जाएगा। नेक्स्ट आइसोटॉनिक, इसमें अगर ब्लड डालूंगा तो नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी टॉनिसिटी ब्लड के टॉनिसिटी के इक्वल है, इसमें जितना कंटेंट वाटर था उस ब्लड में भी उतना ही है, इसलिए वो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम में नहीं आएगा। अगर मैं हाइपरटॉनिक में ब्लड डालूंगा, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर वाटर कम है, ब्लड में ज्यादा है, तो ब्लड से वाटर इस सॉल्यूशन में आने की कोशिश करेगा, मतलब ब्लड वेसल आरबीसी, ब्लड का जो भी आरबीसी है, इस आरबीसी से वाटर इस हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में जाने की कोशिश करेगा, इसके वजह से आरबीसी आपका श्रिंक हो जाएगा, यहाँ पर आरबीसी श्रिंक हो जाएगा, यहाँ पर आरबीसी बल्ज होके फूट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, हाइपरटॉनिक में आरबीसी श्रिंक हो जाएगा। इसीलिए हमें जो भी हम इंजेक्शन यूज करते हैं उसकी टॉनिसिटी एडजस्ट हुई रहना चाहिए, इसीलिए हम ये मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो आपको अगर कोई बंदा आके डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया तो कैसे एडजस्ट करना है, अगर कोई आपको सिर्फ ड्रग पाउडर दिया तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, ये मेथड हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे अगर कोई आपको सॉल्यूशन दिया, ड्रग सॉल्यूशन दिया, उसको हम कैसे टॉनिसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मेथड वन के बारे में, उसमें एक मेथड फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन मेथड के बारे में देखेंगे। फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन इस मेथड के बारे में हम देखेंगे। इस मेथड को जानने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उस मेथड के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है, सोचो कि आपके पास पानी है, अगर इस वाटर को आप फ्रीज करना चाहते हैं तो वाटर क्या होगा, प्लेन वाटर है, वाटर में कुछ भी मिलावट नहीं है, प्लेन वाटर, अगर वाटर को आप फ्रीज करना चाहते हो तो ये वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके फ्रीज होता है। ये वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके फ्रीज होता है। अब सोचो कि इस वाटर में मैं कुछ इनिशियल डाल या कुछ सोल्यूट डाल दिया वाटर, अब क्या होगा, वो सोल्यूट रहने के वजह से इसका जो फ्रीज पॉइंट है, सोचो कि यहां पर आपके पास वाटर है प्लस इनिशियल, कोई भी सोल्यूट लो, शुगर मॉलिक्यूल लो या सॉल्ट मॉलिक्यूल लो, कुछ भी है, वाटर प्लस इनिशियल है, इस NaCl के वजह से या इस सोल्यूट की वजह से इसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। सोचो कि मैं कुछ सोल्यूट डाल रहा हूं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। सोचो अब वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, वाटर फ्रीज होगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो जस्ट एग्जांपल, ओके, कितना सोल्यूट डाल रहा हूं मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, बस आपको ये बोल रहा हूं कि सोल्यूट डाल रहा हूं मैं, वाटर में सोल्यूट डालने के वजह से वाटर का जो टेम्परेचर है, सो फ्रीजिंग पॉइंट है 20 डिग्री नीचे उतरा, पहले वो वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होता था, अभी 20 -20 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, उसका फ्रीज पॉइंट वाटर का फ्रीज पॉइंट डिप्रेस हुआ है, कितना डिप्रेस हुआ है, यहां पर इस केस में 20 पॉइंट डिप्रेस हुआ है। इस चीज का फायदा लेके हम टॉनिसिटी एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आओ ब्लड, क्योंकि हम टॉनिसिटी ब्लड से ही एडजस्ट कर रहे हैं, ब्लड के बराबर एडजस्ट कर रहे हैं, तो अगर ब्लड लेके उसको फ्रीज करोगे, ए ब्लड आपका -52 डिग्री सेंटीग्रेड पे
फ्रीज होगा। ब्लड को अगर आप फ्रीज करने की कोशिश करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है -52 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन क्या है। ब्लड में 98-99% वाटर है और उसमें थोड़े सोल्यूट्स रहने के वजह से ब्लड सेल्स है, ब्लड के सॉल्ट है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, सब कुछ ब्लड में उस चीज रहने के वजह से ब्लड का फ्रीज पॉइंट कितना हुआ, -52। मतलब टोटली क्या हुआ, ब्लड में मेजर कंटेंट क्या था, वाटर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर में ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आने के वजह से ब्लड का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कितना, उसी वाटर का, क्योंकि ब्लड में मेजर वाटर था, उसी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस हुआ, 52 डिप्रेस हो गया। अब मुझे कोई भी चीज को, क्योंकि मैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है क्यों ये मेथड को हम ले रहे हैं, फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टॉनिसिटी में डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता, कुछ मेथड्स नहीं है टॉनिसिटी डायरेक्ट मेजर करें, हम इनडायरेक्ट मेथड में मेजर करेंगे। ये है एक इनडायरेक्ट मेथड। ये जो आपको फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव का मतलब है वो मैटर के नेचर पे डिपेंड नहीं होगा, कितने मैटर है उसके ऊपर डिपेंड होगा, नंबर पे डिपेंड होता है ना कि नेचर पे डिपेंड होता है। ये आपका फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ब्लड आके फ्रीज हो रहा है -52 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सोचो कि मैं एक सेम वाटर लेके इसमें आप सोल्यूट डालूंगा, अगर सोचो सोल्यूट मैं NaCl ही डालू, सेम वाटर लेके अगर मैं इसमें NaCl डालूंगा, कितना 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl डालूंगा, तब इसको अगर मैं फ्रीज करने की कोशिश करूंगा तो ये भी 52 डिग्री पे फ्रीज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl इज आइसोटॉनिक विद ब्लड। तो टॉनिसिटी अगर सेम है तब जाके वो उसी टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, या रिवर्स पे आओ, अगर आपके पास जो भी सॉल्यूशन है वो सेम टेम्परेचर हैज दैट ऑफ ब्लड पे फ्रीज हो रहा है, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, वो सोल्यूशन ब्लड जितना टेम्परेचर में फ्रीज हो रहा है उतने टेम्परेचर में फ्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है उसकी टॉनिसिटी भी ब्लड के साथ सेम है। ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट मेथड नहीं, इनडायरेक्ट है। हम पहले उसकी फ्रीज पॉइंट मेजर करेंगे, फिर उसको ब्लड से कंपेयर करेंगे, अगर उसका फ्रीज पॉइंट ब्लड के फ्रीज पॉइंट के साथ सेम है तब हम जाके बोलेंगे गुड, ये जो भी सोल्यूशन है आइसोटॉनिक है ब्लड के साथ, क्योंकि फ्रीज पॉइंट अगर सेम है तो उसकी टॉनिसिटी भी सेम रहेगी। कैसे पता चला हमें, अगर मैं आइसोटॉनिक सॉल्यूशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl लूंगा, उसको अगर फ्रीज करने की कोशिश करूंगा वो भी -52 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा है, जितना कि वो ब्लड का फ्रीज पॉइंट टेम्परेचर था। अब ये मेथड, ये होगा आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट। अब ये मेथड यूज करके हम एक कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ इक्वेशन है, इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड, या सोचो परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड, उसको मैं W बोल के लिख दूंगा, ओके, परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड, एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू मेक द सॉल्यूशन आइसोटॉनिक थ्रू फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन मेथड इज इक्वल टू 52 - D/58। ये हो गया आपका इक्वेशन फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन का। हम इस इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले अब एक चीज जानो, मैं फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन टेम्परेचर को डेल्टा टी बोल के रिप्रेजेंट करूं, डेल्टा टी एफ, इसको बोलते हैं डिफरेंस इन द टेम्परेचर, फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन। तो वाटर का जीरो था, ब्लड का -52 था, तो डेल्टा टी कितना होगा, 52 होगा। ऐसे फ्रीज पॉइंट टेम्परेचर को, फ्रीज पॉइंट टेम्परेचर को मैं डेल्टा टी एफ, टेम्परेचर डिफरेंस ड्यूरिंग फ्रीजिंग, ओके, उसको मैं ऐसे लिख लूंगा फ्रीज पॉइंट टेम्परेचर। अब आपको जानना होगा जो भी आपका सॉल्यूशन है, फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन, फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज इक्वल टू, वो किस चीज पे डिपेंड होता है, एक सॉल्यूशन में ऑलरेडी ड्रग भी था, फिर उसमें हम क्या किए, सोचो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसका फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन में एडजस्ट करूंगा, क्या करूंगा, ऑलरेडी इसमें ड्रग था, ड्रग सॉल्यूशन था, तो इसमें मैं एडजस्टिंग सब्सटेंस डाल के उसको मैं फ्रीज पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, किसके फ्रीज पॉइंट पे, ब्लड के फ्रीज पॉइंट पे, ऑलरेडी मेरे पास सॉल्यूशन था, उसमें एडजस्टिंग सब्सटेंस डाल के लेके आ रहा हूं,
इसी चीज को मैं यहां दर्शाता हूं। तो लेके आने के बाद क्या एडजस्टिंग सब्सटेंस लेके डाल के उसको आइसोटोनिक करने के बाद क्या होता है, इसका जो फ्रीज पॉइंट है वो 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो फ्रीज पॉइंट डिफ्रेक्शन टेम्परेचर ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू, पूरा सोल्यूशन पूरा फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन 52 डिग्री आने के बाद इज इक्वल टू वाट, फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ड्रग सोल्यूशन प्लस फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। है दो सब्सटेंस डाल रहे हैं, ड्रग ऑलरेडी ड्रग सोल्यूशन था मेरे पास उसका फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन प्लस एडजस्टिंग सब्सटेंस का फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन। तो इक्वेशन होता है फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ड्रग प्लस फ्रीज पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, एडजस्टिंग सब्सटेंस। तो इस सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन मेरे पास है उसको मैं आइसोटोनिक बना दिया, क्या डाल के, ऑलरेडी मेरे पास ड्रग था उसमें मैं एडजस्टिंग सब्सटेंस डाल के आइसोटोनिक बना दिया, जो आइसोटोनिक बन गया उसका फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन कितना है इज इक्वल टू फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ड्रग्स, क्योंकि ड्रग उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट था, ड्रग सॉल्यूशन प्लस फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन ऑफ योर एडजस्टिंग सब्सटेंस। तो इस चीज को हम देखेंगे, फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना चाहिए था मुझे, मैं एडजस्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे उसका टेम्परेचर चाहिए था 52 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू ड्रग का फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन टेम्परेचर देखेंगे। अब इस चीज के लिए आपको क्या करना होगा, इस चीज के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, सारे के सारे ड्रग्स लेके कितना 1% ड्रग्स लेके, कोई भी ड्रग उसका 1% सॉल्यूशन लेके उसका फ्रीज पॉइंट देखने की कोशिश किया उन्होंने। ओके, अब लेकिन यहां पर मुझे क्या है, यहां पर तो मेरे पास जो सॉल्यूशन था एडजस्ट करने के लिए उसका तो 1% नहीं था, कितना दिए वो तो शायद 0.9 होगा, कितना भी होगा, सोचो कि एक्स परसेंट था, ये जो ड्रग सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन सब एक्स था, मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू आपको देंगे क्या 1% ड्रग का, अगर एक 1% ड्रग सॉल्यूशन का मुझे एक्स परसेंट, ये जो फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ड्रग सॉल्यूशन ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो क्या होगा, 1% ड्रग का फ्रीज पॉइंट था, सोचो सम दिस थिंग इतना था, एक्स परसेंट का कितना होगा, 1% ड्रग इतने फ्रीज पॉइंट पे फ्रीज हो रहा है, तो एक्स परसेंटेज ऑफ ड्रग कितने फ्रीज पॉइंट पे फ्रीज होगा, एक्स डिवाइडेड बाय 1 इंटू फ्रीज पॉइंट टेम्परेचर ऑफ 1% ऑफ ड्रग। तो इस दोनों को इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रीज पॉइंट टेम्परेचर ऑफ दैट 1% ऑफ ड्रग, ये 1% ड्रग का फ्रीज पॉइंट टेम्परेचर है, इन दोनों को मैं लिख लूंगा डी बोल के। तो ये चीज अब क्या होगा, डी होगा, ये जो डी है हमें यहां पर मिल जाएगा। ओके, डी फिर प्लस एडजस्टिंग सब्सटेंस का फ्रीज पॉइंट कितना है, अब इस चीज को मुझे जानना होगा, उसके लिए क्या करूंगा, सोचो कि मैं एडजस्टिंग सब्सटेंस, सोचो कि मैं यहां पर NaCl ले रहा हूं, तो NaCl जो भी हमारा एडजस्टिंग सब्सटेंस, ये एडजस्टिंग सब्सटेंस जो है ये यस एडजस्टिंग सब्सटेंस है NaCl, अगर 1% NaCl लेके आप फ्रीज करोगे तो 58 डिग्री सेंटीग्रेड -58 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होगा, कौन सा NaCl, 1% NaCl लेके अगर आप फ्रीज करोगे तो -58 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होगा। तो क्या था, 1% NaCl -58 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा है, तो W% NaCl, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना एडजस्टिंग सब्सटेंस का वेट मुझे जानना होगा, कितना एडजस्टिंग सब्सटेंस इसमें डालूंगा मैं तब जाके मुझे आइसोटोनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या तब जाके मुझे वो जो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन यहां पर बन रहा है वो जाके 52 डिग्री पे -52 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है। तो 1% NaCl, क्योंकि एडजस्टिंग सब्सटेंस में NaCl बोल के लिया, इसलिए 1% NaCl -58 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके फ्रीज हो रहा है, W ग्राम्स और W परसेंट कितने में हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए आपको, W इंटू 58 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गया W इंटू 58 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेम चीज को मान लिखो, फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस इन W ग्राम्स इज W इंटू 58 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 1% 58 पे फ्रीज हो रहा था, कौन सा NaCl, तो W ग्राम्स कितने में फ्रीज है, W
इंटू 58 डिवाइडेड बाई 1। अब मुझे यहां पर क्या निकालना है, ये W निकालना है, यहां W निकालना है। सब इस इक्वेशन को रीअरेंज करो तो आपको आएगा W 58 यहीं पे रखो और ये यहां भेज दो, तो यहां पर क्या आएगा 52 माइनस डी, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखूंगा मैं, ये डी यहां पर है माइनस डी इज इक्वल टू वेट आर परसेंटेज ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय 58 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट मुझे चाहिए क्या था, ओनली W, तो इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन, छोड़ो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, अगर इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूंगा तो मुझे क्या आएगा, W इज इक्वल टू ये इक्वेशन W इज इक्वल टू 58 या नीचे जाएगा तो 52 देखो 58 या 52 और डी के नीचे 52 माइनस डी बाय 58। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, डेरिवेशन इक्वेशन फॉर फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन मेथड। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको है ना जो भी जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें इसका डी वैल्यू दिया हुआ रहता है, बोलते हैं कि इतना परसेंट ऑफ ड्रग इतने टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, मतलब डी का मतलब ही है, याद रखो डी का मतलब क्या था, डी का मतलब था फ्रीज पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ड्रग एट व्हाट, इतने कॉन्सेंट्रेशन। अगर 1% ड्रग इतने फ्रीज पॉइंट पे फ्रीज हो रहा है तो एक्स अमाउंट ऑफ ड्रग कितना है, तो आपको देंगे एक्स अमाउंट ऑफ ड्रग, प्रॉब्लम ऐसे ही आएगा, एक्स अमाउंट ऑफ ड्रग इतने पॉइंट पे फ्रीज हो रहा है तो कैलकुलेट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड इफ इट इज NaCl, और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू मेक द सॉल्यूशन आइसोटॉनिक। तो एडजस्टिंग सब्सटेंस तो NaCl हो गया, उसका वेट या परसेंटेज भी लिख सकते हो, ओके 52 हो गए माइनस डी में आप रखोगे जो भी आपको दिया होगा दिस मच परसेंटेज, ऐसे दिया होगा 0.2% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सम एक्स ड्रग, सम ड्रग ले सम डी ड्रग इज गोइंग टू फ्रीज ऑन टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ भी दिया हो, ओके तो इसको यहां आपको डालना होगा, इस चीज को यहां डालोगे तब क्या होगा, आपका जो भी इक्वेशन है इस इक्वेशन से आप आराम से कैलकुलेशन को हल कर सकते हो। ओनली थिंग आपको डी वैल्यू दिए होंगे, वो डी वैल्यू क्या था, अमाउंट ऑफ सॉरी डी वैल्यू था इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, कितने कॉन्सेंट्रेशन में वो फ्रीजिंग फ्रीज दे रहा है, तो उसका पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डी वैल्यू डाल दोगे तो आ जाएगा यहाँ 58 जो नीचे है, ये तभी होगा, ये पूरा कैलकुलेशन तभी होगा जब आपका एडजस्टिंग सब्सटेंस NaCl है, अगर आपका एडजस्टिंग सब्सटेंस NaCl नहीं है तो यहाँ पर जो भी 58 आप डाल रहे हो या नहीं आएगा, जो एडजस्टिंग सब्सटेंस आप ले रहे हो सम एक्स ड्रग ले रहे हो तो ड्रग का फ्रीजिंग पॉइंट एट 1% यहां डालना होगा, ओके दूसरा अगर दूसरा ले रहे हो एक ड्रग एक सॉल्यूशन का आप दूसरे ड्रग से अगर आइसोटॉनिक बना रहे हो तो वो दूसरा ड्रग 1% में कितना फ्रीज हो, कितने 1% कॉन्सेंट्रेशन में कौन से टेम्परेचर में फ्रीज हो रहा है आप वो यहां डालना पड़ेगा, एंड ये डी वैल्यू होगा ड्रग फ्रीजिंग एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कौन सा ड्रग, ये ड्रग नहीं, ये जो पहले आपके पास ड्रग था। तो इस प्रकार आप अगर आप कॉन्सेप्ट को जानोगे तो आपको सॉल्व करना इजी होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, ई वैल्यू बोलते हैं उसको, ई वैल्यू। पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे कि ये ई वैल्यू असल में क्या है और कैसे आया और उसका इक्वेशन कैसा है, उसके इक्वेशन को भी हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट क्या है ई वैल्यू का। तो सोचो ई वैल्यू का डिफरेंस, पहले देखेंगे हम ई वैल्यू का डेफिनेशन क्या बोलता है, पहले हम डेफिनेशन जानेंगे बहुत ही है, ओके डेफिनेशन ये बोलता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, अमाउंट ऑफ NaCl which is equivalent to 1 gram of the drug। चलो डेफिनेशन यही है कि अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज इक्वल टू 1 gram ऑफ ड्रग। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं जानोगे तो
तो ये आप नहीं कर सकते। इस आपको जानना हो गया है कॉन्सेप्ट है क्या, पूरा का पूरा कैलकुलेशन इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। ओके, तो अमाउंट ऑफ NaCl विच इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ द ड्रग, 1 ग्राम ऑफ एनी ड्रग। तो एक्चुअली ये क्या करते हैं, हमारे पास एक टेबल रहेगा, उस टेबल में हमें देंगे कि 1 ग्राम ऑफ ड्रग कितने अमाउंट ऑफ NaCl को इक्विवेलेंट है। तो पहले हम देखेंगे है क्या ये चीज। सोचो कि मेरे पास कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करेंगे, सोचो कि मेरे पास बीकर था, उसमें पानी था। अगर इस प्लेन वाटर को मुझे आइसोटॉनिक बनाना है, तो मुझे अगर NaCl से आइसोटॉनिक बनाना है तो 0.9 ग्राम ऑफ NaCl उसमें डालना होगा। सोचो कि ये 100 ml है, तो 0.9% 0.9 ग्राम ऑफ NaCl मुझे डालना होगा इस 100 ml ऑफ वाटर ऑफ बीकर को, तब जाके ये सॉल्यूशन आइसोटॉनिसिटी होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। सोचो कि मेरे पास ऑलरेडी ड्रग सॉल्यूशन है, ऑलरेडी मेरे पास ड्रग सॉल्यूशन है। अब मैं इसमें डायरेक्ट 0.9 ग्राम या 0.9% बोल के कैलकुलेट, सोचो कि इसका वॉल्यूम है 50 ml। ओके, 50 ml इतना है, 50 ml है, 100 ml को 0.9 डालना है, तो 50 ml को मैं 0.45 ग्राम डालूंगा। नो, ये कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर तो पहले कुछ नहीं था, यहां पर देखो ड्रग है, सॉल्यूशन में ड्रग है, ड्रग रहने के वजह से भी थोड़ी टॉनिसिटी देता है ड्रग, उसकी जो थोड़ी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है ड्रग, वो ड्रग मॉलिक्यूल्स जो भी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाता है। अब मुझे जानना होगा कि ये जो ड्रग है उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ ड्रग है, वो ड्रग कितने ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड को इक्विवेलेंट होगा, ये मुझे जानना होगा। सोचो, ये अलग है, ये चीज अलग है। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनो, इसमें जो ड्रग है इक्विवेलेंट मेथड का डेफिनेशन ये था, अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ ड्रग। यहां पर 1 ग्राम नहीं है, कितना है मुझे पता नहीं है, सोचो कि 1 ग्राम से कमी है। ड्रग मुझे सोचो 0.5 ग्राम्स होगा या 0.3 ग्राम्स होगा ड्रग, जो 0.3 ग्राम्स ऑफ ड्रग है वो कितने सोडियम क्लोराइड को इक्वल है, मतलब कितना सोडियम क्लोराइड डालने से, सोचो कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, सोचो कि मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सोचो 150 है, इसका 0.9 ग्राम्स ऑफ ड्रग डालने की वजह से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 500। जस्ट सोचो, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट मेजर करने का मेथड है, मैं आपको जस्ट एक पॉइंट देने के हिसाब कर रहा हूं। ओके, पॉइंट ये ड्रग सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है 150, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 500। अब मुझे इस ड्रग सॉल्यूशन को 500 तक लाना है ऑस्मोटिक, क्योंकि इसको आइसोटॉनिसिटी बनाना है, तो मुझे इस ड्रग सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 500 तक लाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सोडियम क्लोराइड डालने की कोशिश करूंगा। उससे पहले कितना सोडियम क्लोराइड डालना है मुझे, मुझे पता नहीं कितना डालना, क्योंकि ऑलरेडी ये ड्रग रहने की वजह से 150 आ गया, माइनस करो कितना हुआ 350, 500 माइनस 150 मतलब 350 ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाने के लिए कितना मुझे सोडियम क्लोराइड डालना होगा। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर तो डायरेक्ट मेजर नहीं करेगी, इसलिए मैं क्या करूंगा, जो ड्रग सॉल्यूशन 150 ऑस्मोटिक प्रेशर दे रहा है उसका सोडियम क्लोराइड के साथ इक्विवेलेंट क्या है, मतलब कितना सोडियम क्लोराइड डालने, एक और बीकर लो उसमें भी 50 ml वाटर लो। ओके, मैं यहां पर कितना सोडियम क्लोराइड डालू, हाउ मच सोडियम क्लोराइड शुड ऐड टू दैट बीकर टू गेट टू 150 ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कितना सोडियम क्लोराइड डालू उसमें, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट मेथड। मतलब ये ड्रग जो 150 दे रहा है उसका इक्विवेलेंट सोडियम क्लोराइड कितना होगा वहां, क्योंकि मैं सोडियम क्लोराइड से ऐड मेकअप कर रहा हूं, तो मुझे जानना होगा, 0.9 डायरेक्ट नहीं डाल सकता। अगर मैं इक्विवेलेंट कर दूंगा, सोचो कि 0.2 ग्राम्स ऑफ NaCl इज आल्सो प्रोड्यूसिंग योर 150 ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तब क्या होगा, बचा क्या है 0.9 माइनस 0.2, 0.7 ग्राम्स ऑफ NaCl मुझे डालना होगा। तो यहां पर मैंने किया क्या, जो भी ड्रग था उसको NaCl के साथ इक्विवेलेंट किया, ड्रग को NaCl में बदल दिया। ये होता है इक्विवेलेंट मेथड। ई वैल्यू का मतलब ये है कि इतने ग्राम ऑफ ड्रग, तो 1 ग्राम ऑफ ड्रग को डालने के वजह से, 1 ग्राम ऑफ ड्रग डालने की वजह से मुझे कितना
सोडियम क्लोराइड डालना होगा वही ऑस्मोटिक प्रेशर लाने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझने के लिए एक्सपर्ट डेफिनेशन ही नहीं। सो अमाउंट ऑफ NaCl विच इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ ड्रग। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, कुछ डेरिवेशन देखो आप समझ में आ जाएगा। आपको पता नहीं है कि कितना ग्राम सब सोडियम क्लोराइड डालना है। सोचो मैं उसको ले लूंगा सम एक्स ग्राम्स, आई डोंट नो हाउ मच अमाउंट ऑफ adjusting substance to be added, that is sodium chloride. So x amount is equal to isotonic होने के लिए total amount कितना डाल रहा हूँ मैं 0.9 grams isotonic होने के। लेकिन वो drug already present रहने के वजह से मैं 0.9 grams NaCl नहीं डाल सकता यहाँ पर क्योंकि drug already present है। तो minus कितना मुझे डालना होगा और okay कितने grams डालना होगा। तो मैं क्या करूँगा, जो भी drug solution यहाँ है उसको NaCl से इक्विवेलेंट करके उसको माइनस करने की कोशिश करें। मतलब ऑलरेडी कितने ग्राम्स ऑफ NaCl, यहाँ पर मैं 0.2 लिखा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन इक्वेशन ये बोलता है कि 1% ऑफ ड्रग इज इक्विवेलेंट टू लेट्स से परसेंटेज ऑफ ड्रग, 1% ऑफ ड्रग के इक्विवेलेंट नंबर का मतलब ही क्या है, 1% ऑफ ड्रग इतने ग्राम्स ऑफ NaCl के साथ इक्विवेलेंट है, तो उसको मैं बोलूंगा ई फैक्टर। 1 gram of, sorry, not 1%, sorry, 1 gram, 1 gram of that is equal to this amount of NaCl. इस amount को हम बोलते हैं equivalent factor, तो उसको हम बोलते हैं E. 1 gram of drug is equal to E. लेकिन यहाँ पर 1 gram नहीं है, x grams है. So x grams is equal to how much? तो उसको हम लिख सकते हैं, इसको cross multiply करो तो x into E divided by 1, तो ये होगा x e। अब इस x को हम क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ मेडिसिन, x को हम बोल सकते हैं PSM, परसेंटेज ऑफ मेडिसिन, परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन इनटू इट्स इक्विवेलेंट फैक्टर। तो कितना मुझे यहां पर NaCl को निकालना होगा वो क्या था, इक्विवेलेंट फैक्टर। तो परसेंटेज ऑफ मेडिसिन मल्टीप्लाई बाय इट्स इक्विवेलेंट फैक्टर, ये हो गया आपका इक्वेशन का डेरिवेशन। सिंपल लॉजिक है, पहले ही मेरे पास ड्रग सॉल्यूशन था, वो जो ड्रग्स उस सॉल्यूशन में जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितने ग्राम्स ऑफ NaCl को इक्विवेलेंट है, तो उसको फाइंड आउट करना ही मेरा काम है। लेकिन इक्विवेलेंट फैक्टर बोलता है 1 ग्राम इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट ऑफ NaCl, तो इतने ग्राम्स कितने का होगा, तो उसके लिए मैं 1 ग्राम इज इक्वल टू दिस मच, उसको बोलते हैं ई फैक्टर ई। तो एक्स ग्राम ऑफ ड्रग इज इक्वल टू हाउ मच, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स ई, मतलब एक्स ग्राम्स ऑफ मेडिकमेंट इनटू इट्स इक्विवेलेंट फैक्टर गिव्स यू अमाउंट ऑफ NaCl, अमाउंट ऑफ NaCl विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ That much of the drug. वो ड्रग रहने के वजह से, अगर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन और उसके इक्विवेलेंट फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये कहां से आया हमें पता है, यहां से आया, ओके? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अमाउंट ऑफ NaCl केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दैट, यहां पर NaCl नहीं है, हम इक्विवेलेंट कर रहे हैं उसको, इतना ड्रग अगर प्रेजेंट होने से कितना होगा, 1 ग्राम प्रेजेंट होने से इतना होगा, यह होगा उसका इक्विवेलेंट फैक्टर। ये आपको एक टेबल मिलेगा उसमें लेके डाल सकते हैं, बस आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मेडिसिन यहां डालो और उसका इक्विवेलेंट फैक्टर डाल दो, आंसर आपको डायरेक्ट आ जाएगा। इसका एक मैं आपको एक कैलकुलेशन बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये था, हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 2% ऑफ 30 ml ऑफ 2% हाइओस्टिग्मिन सॉल्यूशन आइसोटॉनिक। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको कितने ग्राम्स ऑफ NaCl डालना है, किसमें डालना है, 2% 30 ml। तो यहां पर वही है, हमें एक बीकर दिया, समझो इस इक्वेशन को पहले, क्वेश्चन क्या है समझो हमारे पास एक बीकर था, बीकर में 30 ml है एंड उसमें 2% सॉल्यूशन हाइओस्टिग्मिन है, मतलब 2% ड्रग ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मुझे जानना होगा कि वो 2% ड्रग के अलावा कितना NaCl मुझे डालना है, NaCl मुझे कितना डालना है, तब जाके टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl होगा 0.9 ग्राम्स, टोटल ग्राम्स ऑफ NaCl होगा 0.9 ग्राम्स इसके अंदर। तो
तो उसके लिए क्या करें, क्वेश्चन ये था कि आपके पास 30 ml 2% ड्रग है, उसमें आप कितने NaCl डालना है तब जाके आपको ये मिलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करना है, इक्वेशन था अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.9 माइनस परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन इनटू इट्स इक्विवेलेंट फैक्टर। तो इक्विवेलेंट फैक्टर कितना है 0.16, वो दिया होगा आपको क्वेश्चन में। परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना है 2%, तो इज इक्वल टू 0.9 माइनस 2 इंटू 0.16 जो इसका इक्विवेलेंट फैक्टर है। इसका 2% है स्ट्रेंथ और इसका इक्विवेलेंट फैक्टर है 0.16। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल टू 0.9 माइनस 0.32। ठीक है, अगर इसको आप माइनस करोगे तो आपको आएगा वेट रिक्वायर्ड इज 0.32 माइनस 9 करोगे तो 0.58%। ये पूरा परसेंट में, क्योंकि ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, ये पूरा इक्वेशन परसेंट में है, सिर्फ 0.58% ग्राम्स नहीं परसेंट, मतलब 100% का मतलब क्या है, 0.58% का मतलब क्या है, मुझे 0.58 ग्राम्स ऑफ NaCl चाहिए इफ द सॉल्यूशन इज 100 ml, क्योंकि ये परसेंटेज में। आप लोग क्या करोगे, यहां तक इक्वेशन करके 0.5 बोल के लिख दोगे, रॉन्ग है, क्योंकि ये परसेंटेज में, परसेंट का मतलब 100 ml का आपको 0.5 ग्राम्स चाहिए, यहां पर कितना ml है, 30 ml के लिए कितना चाहिए तो लिख लो, 100 ml के लिए आपको 0.58 ग्राम्स चाहिए, तो 30 ml के लिए कितना चाहिए, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 × 0.58 / 100। इसका अगर आप इक्वेशन करोगे 0.174 ग्राम्स, ये होता है आपका सही आंसर, ना कि ये। बहुत लोग क्या करेंगे, यहां पर आके टिक जाएंगे, लिख देंगे यही आंसर, क्योंकि इक्वेशन ये था, इक्वेशन ये था, तो इक्वेशन हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, आ गया। नो, आपको समझना होगा, क्योंकि ये परसेंट बोल रहा है, क्योंकि आप PSM डाल रहे हो, जब आप परसेंटेज ऑफ मेडिसिन डाल रहे हो, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन, स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन इन परसेंटेज, तो आपको आंसर परसेंटेज में ही आएगा, तो पर 100 ml को कितना आया है, परसेंट के लिए आएगा, तो लेकिन क्वेश्चन क्या था, 30 ml था, तो यहां तक कैलकुलेट करो, फिर देखो 100 ml के लिए इतना चाहिए, तो गिवन ml कितना, गिवन ml था, 30 ml के लिए कितना चाहिए, बस ऐसे अगर आप याद रहोगे तो ये इजी है। आई होप यू अंडरस्टैंड।